और वेलकम टू वी फाई के व्लॉग्स। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं मांडवी बीच, जो है हमारे गुजरात कच्छ का सबसे मस्त बीच है, जिसको देखकर आप दीव दमन को भी भूल जाओगे, इतना मस्त बीच है। और वहाँ पे हमने रिसोर्ट है पूरा विजय विलास पैलेस, वहाँ पे हमने रूम बुक करवाया, अब हम जाएंगे वहाँ पे। वहाँ पे स्विमिंग पूल है सब है, तो हम एग्जैक्ट 1 ईयर बाद जाऊंगा स्विमिंग पूल। मेरे को बहुत अच्छा एक्साइटमेंट हो रही है जाने की। तो अभी गाइस मेरी पे क्लास है, क्लास अटेंड कर लेते हैं। और यश मम्मी पापा सब अभी खुशी सब तैयार हो रहे, नए नए कपड़े पहनते सब, और हम पूरा मजे करने वाले हैं। तो गुजी भी साथ जाएगी, गुजी की परमिशन मिल गई हमको। सो गाइस हम जाएंगे ना, तो वहाँ पे बीच है हमारा रिसोर्ट, पूरा पूरा एडवेंचर पूरा हम देखेंगे कहाँ पे क्या क्या है। बीच भी हम जाएंगे, गुजी के साथ सुबह सुबह खेलेंगे। मेरे साथ ही बैठी मेरे रूम में ही, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो ये रही, इसको आदत हो गई मेरे साथ बैठने की। अभी मैं क्लास अटेंड करने आया था, तो अभी क्लास चालू नहीं हुई, ये भी बैठी। अब मैं जाऊंगा वहां पे आ जाएगी, फिर हो जाएगी मेरे पास ही। क्लास खत्म होगी अभी अभी 11 AM को चलोगी, 12:30 AM को खत्म हो जाएगी, फिर हम जाएंगे कांदना, क्योंकि स्विमिंग पूल हम स्विमिंग तो करेंगे स्विमिंग पूल में, क्योंकि सबकी फेवरेट होती है, मेरे भी फेवरेट, मैं भी करूंगा स्विमिंग। और स्विमिंग पूल में जाने के लिए उन्होंने बोला स्विमिंग कॉस्ट्यूम होनी चाहिए, नहीं तो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम हमारे पास है नहीं, तो अभी हम लेने जाएंगे। और अभी मैं कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि क्लास अभी चालू नहीं हुई, अभी है 10:30 हुए, क्लास चलने में 30 मिनट्स बाकी, तो ब्रेकफास्ट कर लेते हो। दो तो पराठे हैं, इसके अंदर जैम है, क्योंकि आज ये देखो ये, इसको मैं जैसे आज मैं रहा हूँ मैं पीछे आ जाती है, और इसको मैं दूंगा नहीं खाने, क्योंकि मेरा है मेरा। ये सब कुछ सब एक्साइटेड है आज तो, क्योंकि यार तुम तो लास्ट फेबर में गए थे घूमने, फेबर के बाद हमने लॉक भी डाला था, कोटा ब्लॉक क्या, कोटा मस्ती, कोटा में मस्ती, अल्टीमेट मस्ती, ऐसे करके। वो आप देखना चाहे तो देख सकते हो, एंड स्क्रीन में हम ये वाला ब्लॉग आ जाएगा वाली वीडियो। और हम फरवरी में गए थे, और अभी हम जाएंगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 मंथ्स बाद जाएंगे हम। इसको देखो ये अभी यहां से इस पे जम मारने वाली है, हटा देता हूँ मैं, मजा आने वाली है आज तो बहुत, मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। ये सुख खुशी सब, मेरे को रात को भी नींद नहीं आई, मैं सुबह 6 बजे उठ गया, ऐसे 7 बजे उठता हूँ, पर आज पापा ने आए उठाया तो मैं उठ गया, नहीं तो मैं नहीं उठता, मैं तो आ रहा हूँ कि 7 बजे तक उठता हूँ। सो गाइस अभी हम गाइंदाम नहीं जा रहे, क्योंकि हमारी जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम मंगवाई थी वो आ गई, ये यश की है, बाकी है सबके अंदर है थैली में, और हम वहाँ पे स्विमिंग कॉस्ट्यूम, और आप हमको तब देख लेना हम कैसे लगते हैं। मैं तो बहुत गंदा लगने वाला हूँ, क्या लगता है तू कैसे लगेगा? मैं तो बहुत मोटा लगने वाला, और गाइस मैं बहुत अच्छी लगने वाली, तू तो पागल लगने आ गया। हां आप लग रही थी, गाइस वी आर ऑल सेट टू गो, करते डिक्की बंद, अब देखते बंद होती कि नहीं होती। तो डिक्की बंद हो गई, चलो लेट्स गो, लेट्स गो, वी आर रेडी। मुझे गए ये रे मोटी, ए मोटी इसको ये थप्पड़ पड़ा है क्योंकि भाग गई थी। अभी हम रेडी है निकलने के लिए, हम सब गाड़ी में बैठ गए, वो अपने सूट उतार चुकी है। क्यों मेरे को पीछे जाना है ना, उतार के जाएगी पीछे, तो सीट गंदी नहीं होगी पहन के जाऊंगी तो। हाँ ये कीचड़ में जाती है शूज पहन के, गाइस मैं तस्वीर बहुत हीरो, मेरे को हीरो हीरो जैसा फील हो रहा है। हीरो बनोगे ये, और हीरो हीरोइन तो ये लग रही है आपकी मूवी की। तो पानी पिलाया तुमने? पानी पिलाया? हाँ कब? अभी अभी पिलाया था। भाई गाड़ी में ही? हाँ ये छोड़ भैया, कोई सुसु कर देगी देखना। सुसु तो करवाने इसलिए तो भेजा था, पर इसे करी नहीं। टाइम लगता है, पीछे जा रही हूँ, उसके बाद बात कर। जल्दी जा, तेरी मूवी बनेगी तो पीछे कैसे जाती है? हमारे घर में ना एक ही बंदर है, अभी पीछे कौन गया बंदरों की? तो चुपचाप से गाड़ी की सीट को पीछे नीचे करके भी निकल सकती थी ना? नहीं देखो खतरों की खिलाड़ी बनने, बंदर बनने ना सिंपल, ये है खतरों की खिलाड़ी। तो कुछ भी यार, यीशु कोई चीज दिखा, हर चीज कुछ ही। अरे यार खुल जा मेरे भाई, अब देख ला नहीं की थी, अब आज नहीं बैठेगी, उसी ने डर रही थी, आज आज नहीं बैठी, बैठ गई। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, भारत दी है हमारी। सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं, अभी हम सब फैमिली सब आ गए, पापा मम्मी ये सब खुशी गुची में, और अभी हम जा रहे हैं मांडवी। ये जय माता दी, जय माता दी, ओम साई राम, ओम साई राम। बहुत मौज करने वाले, बहुत बेटे मौज कर दी, मतलब स्विमिंग पूल भी ना होता तो बेटे स्विमिंग पूल में मजे करने वाले। मैं डायरेक्ट जाती स्विमिंग पूल में,
कुछ बहुत अभी तक नहीं उतरी है, उसने अपनी सीट बुक कर ली है और मैं तो दिखी नहीं रही। लास्ट टाइम जब हम जैसे आपने देखा होगा रेन वाला, उसके अंदर ये स्पेस हो रही थी, महाराजी हो रही थी ये स्पेस ही। और बच्ची क्या चल रहा है? फॉग थोड़ी चल रहा है यार, मास्क पहनने के बजाय फॉग ही होता है। क्यों खड़ी हो गई? अरे वाह ये देखो नजारे ले रही है, नाराज अभी इंडिया में कोरोना चल रहा है, मैं फॉग चल रहा है। क्या कर रहे हो? नाइस जोक, लाइक करो सब्सक्राइब करो यार, जोक मारा कोई नहीं। तो गाइस आज गाड़ी मांडवी तक चलाएगा हमारा विश्वास, और उसकी ही ख्वाहिश थी ये घूमने जाने की, बच्चों की तीनों की। तो हम लोग आज घूमने निकले हैं और ये व्लॉग हम लोग जो बना रहे हैं इसमें हम लोग पूरा एक्सप्लोर करेंगे ये मांडवी ट्रिप। हम लोग स्टे करेंगे वहाँ पे, बीच है जो कि बेहतरीन बीच है इंडिया की, एक्चुअली बीचेस जो है अपने इंडिया के ना उसमें एक सबसे बेस्ट बीच है, और इतनी अच्छी बीच है मतलब वहाँ पे नीट एंड क्लीन एवरीथिंग इज मतलब सो गुड। और ये हम जो जा रहे हैं वो प्राइवेट बीच है, तो वी विल स्टे देयर और एंजॉय करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग सनसेट देखेंगे आज वहाँ पे और सनराइज भी देखेंगे और काफी एंजॉय करेंगे। तो ये बच्चे आज काफी दिनों बाद बाहर निकले घूमने के लिए, कोरोना काल में तो बहुत टाइम बाद जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 2-3 साल के बाद जा रहे हैं, तो मजा आएगा। तो लेट्स हैव फन गाइस, कीप वाचिंग, लाइक करो हमारे ये वीडियो को और सब्सक्राइब करो, और हाँ जिन्होंने सब्सक्राइब किया है बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उन्हें हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। और हाँ प्लीज सपोर्ट दिस गाइस, बच्चों को आप लोग सपोर्ट करें, ये चैनल को ग्रो करें और ये ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहे। यस खुशी बोलो, हम ऐसे ही डालते रहेंगे और आप हमको जल्दी 300 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दीजिए। हाँ यस, कुछ हुआ भी नहीं, नजर की पैनी हुई बेचैनी, आंखों में शरारती हो गई, सैयां ने देखा पानी पानी हो गई, बिंग बिंग बिंग। गाना बजाते हैं, मैं पानी पानी हो गई और बारिश के बाद ग्रीनरी अच्छी हो गई है। सो गाइस हमने गूगल आंटी से पूछा कि हमारा जो लोकेशन है कहाँ पर है, तो उन्होंने बताया कि 17 किलोमीटर्स दूर है, बस 25 मिनट्स लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है गूगल आंटी, अभी हम चलते हैं अपने। बाकी मौसम मस्त हो रहा है, अभी तक धूप नहीं है, मस्त मौसम है। तो गाइस वो थोड़ी देर बूंदाबांदी हुई थी, अब वो बंद हो चुकी है। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, पहले कुछ जब पापा के पास बैठी थी ना एक बार आगे, तो ये खिड़की पे देख रही थी, तो पापा बोल रहे थे गुची इधर देख, तो वो देख भी नहीं रही थी, इग्नोर फुल इग्नोर कर रही थी पापा को फुल।
गाइस ये लोकेशन कितना मस्त है, मतलब मजा आ गया। ऐसा मतलब बहुत अच्छा है कि मस्त लोकेशन। बारिश के बाद तो क्या हमारे कच्छ में मांडवी में ही ज्यादा बारिश होती है, और मुंद्रापुर मतलब वहाँ पे जहाँ पे सी कोस्ट है ना उधर ही होती है। सो गाइस हम मांडवी में एंटर कर चुके हैं, और ये देखो अभी मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। मस्त यहाँ पे शिप्स भी दिखते हैं यहाँ से, तो शिप नहीं छोटे बोट्स होते हैं। हाँ छोटे कंट्री क्राफ्ट बोलते हैं उनको। और है कंट्री क्राफ्ट दिखा रहा हूँ, वो देखो वो खड़े, ये यहीं पे बनते हैं इंडिया में। कंट्री क्राफ्ट जो बनते हैं वो मांडवी में बनते हैं, जितने भी कंट्री क्राफ्ट बनते हैं वो सब मांडवी में बनते हैं। ये फोर्ट है बहुत पुराना मांडवी में, तो यहाँ से कमर जो है रूट भी यहाँ से ही है। छोटी सी गली और यहाँ से ही मांडवी आते जाते, एक ही रोड नहीं है, ये एक ही रोड है एंटर करने का। यहाँ पे तो मतलब ट्रैफिक हो जाता है। गाइस मांडवी का मसाला कौन जोरदार है, मसाला कौन दाबेली है, मसाला को मांडवी की फेमस है, सब मस्त है। मांडवी की ही हमारे कच्छ में जो भी दाबेली है वो मांडवी की फेमस है। और मसाला कौन तो इधर मस्त बताओ कौन आता है, जो आइसक्रीम का कौन आता है ना वो, और उसके अंदर फुल मसाला। हम आपको कल दिखाएंगे कि दाबेली कैसे बनाई जाती है और कैसे, अगर खुला हो तो दिखाएंगे उसको सर्व करते हैं। हाँ खुला रहेगा। अगर आज हम शाम को आए यहाँ पे कॉमन बीच पे तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, अगर नहीं आए तो हम कल जरूर दिखाएंगे आपको। मजा आएगी अगर कल खुला हुआ तो खाऊंगा। गाइस वो जो आपको दिख रहा है वो पैलेस है, वो विजय विलास पैलेस है जहाँ पे हम जा रहे हैं। बहुत एक्साइटेड है, ये देखो Continue on VJ Venice Palace Road for 1.5 kilometers. VJ. VJ Villas 20 rupees. VJ Villas Palace છે, આપણે રિસોર્ટ જવું છે. હેરિટેજ VJ Villas. હા. એ પણ આગળ આવશે, પહેલા રિસોર્ટ આવશે. પહેલા રિસોર્ટ આવશે. નહીં લાગે ને? ઓકે. થેન્ક યુ. हम लोग एंटर कर गए विजय विलास स्टेट के अंदर, श्री विजय विलास स्टेट एस्टेब्लिश्ड इन 1927। यहाँ के महाराजा साहब थे, उन्होंने ये पूरा बनाया था। विजय विलास जो पैलेस है वो एक्चुअली म्यूजियम बना दिया इन्होंने विजिटर्स आते, और जो हेरिटेज रिसोर्ट है वो विजय विलास वालों ने ही बनाया है। काफी बड़े बड़े रूम्स हैं और अच्छा है वहाँ पे, विलास टाइप में है सब, पूरा जंगल है ये। ये रिसोर्ट का यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने, राइट लेफ्ट लेफ्ट सॉरी राइट लेफ्ट लेफ्ट लेंगे वो। बस यहाँ पे इन्होंने गार्डन बना के रखा, ग्रीनरी अच्छी है यहाँ पे। ये स्विमिंग पूल इसके लिए मैं आया था, पर थोड़ा गंदा है, थोड़ा गंदा है पर चलेगा। अब देखते हैं पापा अलाउ करते कि नहीं करते, क्योंकि गंदा है यहाँ पे, कीड़े वीड़े भी है। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बड़वा के साथ गुच्छे कैसे दौड़ो। ये देख लो गाइस, मैं ना गिर जाऊं, वो देख लो ये देख सकते हो आप गुस्सा हो गई, गुस्सा हो गई, गुस्सा हो गई। दौड़ी दौड़ी दौड़ी, ये देखो बड़वाई के पीछे भी। अब गाइस हम यहाँ से एंटर करते हैं, अपने रूम में जाते हैं। तो चलो गाइस चलते हैं अपने रूम में। ये है अपना रूम, पापा बाहर बैठे हैं, हवा नहीं चल रही पर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी है, लेकिन लगता है ऐसी गर्मी रही तो शायद बारिश हो जाएगी रात तक। लोकेशन बहुत प्यारा है, लेकिन और विशु जो विश कर रहा था स्विमिंग करने का, पता नहीं वो घर पे है कि नहीं। नहीं पर कीड़े मेरे को मन नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा ना, वो साफ हो जाएगा तो सही है। देखते हैं अगर साफ लगा तो ही करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। बीच में चलेंगे अभी। तो गाइस ये पूरा हमारा रिसोर्ट है, रिसोर्ट हमारा नहीं मतलब
यहाँ पे हमने बुक करवाया और अभी ये लोग साफ कर रहे हैं, फिल्टर चालू किया इन्होंने, पानी बहुत गंदा, हमने बोला साफ करो। और ये कुछ ऐसे रूम से यहाँ पे एक्चुअली कैसे भी मैं गाड़ी लगवाने आया हूँ यहाँ पे, गाड़ी मैंने गलती से एक्चुअली मैं आपको मालूम नहीं था कैसे लगानी है तो मैंने यहाँ पे लगा दी, अभी हमको लगानी है ऐसे ऐसे इधर लगानी है, लगा के दिखा तो आपको, लगानी थी मैंने यहाँ पे टेढ़ी लगा दी थी। सो अभी होगा रूम टूर, अभी मैं रूम टूर देता हूँ मेरे रूम का, पर अभी हमको चल के जाना है रूम तक, इसको अभी मैं देता हूँ आपको रूम टूर, हमारा रूम कैसा है पूरा। बस हम अभी आए और ये टीवी यहाँ पे इनके पास, डिश HD है, रिमोट, AC, पापा मम्मी यसु, बेड, हमारा लगेज, गुची, और ये यहाँ पे ड्रेसिंग रूम, यहाँ पे हम कपड़े चेंज करके बाजार बना सकते हैं, बात हम जहाँ पे गई है अभी फ्रेश होने, कबर्ड तो मस्त है, कबर्ड चेंज कपड़े रख सकते हैं, कहा कि इतना रूम है हमारा ऐसा मस्त मस्त। तो गाइस अभी मैं ये व्लॉग यहाँ पे एंड करता हूँ, नेक्स्ट व्लॉग आएगा अभी, मतलब हम जो हमारी ट्रिप है इसके तो पार्ट्स आएंगे, पार्ट में आएगी व्लॉग पूरे ट्रिप के, और अभी मैं ये व्लॉग यहाँ पे एंड करता हूँ, अभी जब अभी जा रहे बीच और बीच का आएगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय गाइस, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाय।